जनाब अली, दो गुजारिशात हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई और पाकिस्तान को एक नया निज़ाम अदल दिया गया है। इस निज़ाम अदल के नतीजे में अब जो तीन सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर प्यूनी जज और दो नेक्स्ट सीनियर जजेस, उन तीनों की ये तवक्कुआत होगी कि हुकूमत या वज़ीर आज़म इनमें से किसी एक को भी चीफ जस्टिस बना सकता है। और यूं इन तीनों में से कोई भी हुकूमत वक्त को नाराज़ करने की कोशिश नहीं करेगा। पहले से ही हमारा निज़ाम अदल जो है 138वीं नंबर पे दुनिया के इंडेक्स पे आ रहा है। मुकदमात जो हैं वो दहाइयों तक चलते रहते हैं। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है, हो सकता है मौजूदा तौर पे तो हुकूमत मुस्तफीद हो, शायद जज साहिबान कोशिश करें कि ताबेदार रहें, लेकिन जब ये हुकूमत नहीं होगी, किसी और पार्टी की हुकूमत होगी, तो क्या ये जो निज़ाम दिया है, क्योंकि तीनों जज साहिबान जो हैं वो हुकूमत वक्त को नाराज़ नहीं करेंगे। ये इस आईनी तरमीम का सबसे डिज़ास्ट्रस आस्पेक्ट है। और जिस मुआशरे में ऑलरेडी हमारी अदालतें जो हैं, कल जो लॉ मिनिस्टर फरमा रहे थे, कोई इनकी शानदार तारीख नहीं है इंसाफ करने की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इसी सुप्रीम कोर्ट ने तख्तेदार पे लटकाया था, इसी अदलिया ने जस्टिस मुनीर भी पैदा किया, इसी अदलिया ने इफ्तिखार चौधरी भी पैदा किया, इसी अदलिया ने साकिब निसार को भी जन्म दिया, जस्टिस डोगर भी आए, जस्टिस खोसा भी आए, और सबसे ज़्यादा प्रो मुनीर जस्टिस पाइजीसा भी आ गए। इस निज़ाम अदल की होती हुई जो पहले से था, कोई मायनाज नहीं था। मैं 32 साल मेरे हो गए इस पेशे से वाबस्ता, इस पे खुश होते हैं जज साहिबान के हमें अदालतों में माई लाड पुकारा करो। अंग्रेजों के दौर में लाड हुआ करते थे और वो जज हुआ करते थे, तो उनको हम माई लाड्स कहते थे कि खानदानी शजरे उनके लाड से मिलते थे। यहाँ पे तो अब जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी ने भर्तियों का सिलसिला शुरू किया और जो जज साहिबान एलिवेट हो गए, और अब जो सुपीरियर जुडिशरी पे जो अदलिया बैठी हुई है, वो उस समेत बंदियाल भी समेत, वो भी कोई इतना मायनाज जज नहीं था, उसने भी दड़न तख्ता किया था। ये देखिए, कोई आपका कोई हमारा, कोई हम पे मेहरबान कोई आप पे मेहरबान, हमें मेहरबान जज चाहिए ही नहीं, आज़ाद जज, बल्कि आज़ाद से भी ज़्यादा जिम्मेदार जज चाहिए जो इंसाफ कर सके। साकिब निसार आया था, उस वक़्त भी हम कहते थे एक किलो ना बना हुआ था, डैम बना रहा था, बदबख्त डैम के साथ तुम्हारा क्या काम है। फिर आप ये देखे, फ़ाइज़ ईसा के बंदियाल आया 12 बजे, उसने अदालत भी खोली, और फिर वही बंदियाल साहब थे, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में पहली दफा फैसला दिया, और जब हुकूमत ने आंखें दिखाई तो उस फैसले पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान में कानून की हुकमरानी की बेखनी हुई। जनाब अली, गुजारिश ये है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काजी फ़ाइज़ ईसा को जो खराज तहसीन पेश कर रहे थे, जो डोंगरे बरसा रहे थे, ये वही काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बेनिशान किया। ये वही काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जिसने एन अमेंडमेंट से पहले रिव्यू दो दिनों में फिक्स करके जमीर फरोशी के लिए रास्ता हमवार किया, और फिर हमारे एमएनएज वहां से बरामद हो गए। और वो एमएनएज जो थे हमारे पहले कोलीग थे, वहां पे गए, यहां हमारे अरब दोस्त भी मौजूद हैं, लेकिन उनको अरबों रुपए मिले थे। नहीं यार, यानी कि फिर मियां नवाज शरीफ की शक्ल उनको पसंद थी। हाँ, अच्छा, यानी बड़े ही बेजोक लोग थे।
अच्छा ये अब आप मुझे उस पे ला रहे हैं ना, मुझे तकरीर करने दे। जनाब अली हमारे दोस्त अगवा हुए कहते हैं, हमारे दोस्त जो हैं और ये अरबों की जो पेशकशें हैं इस ऐवान में मौजूद शायद ही कोई ये मैंने होगा जिसको नहीं हुएंगे मुझ समेत, हमें पेशकशें हुई आए जमीर बेचे और वो अमेंडमेंट होती है कि अगर वो पांच लोग जमीर न बेचते तो शायद ये अमेंडमेंट न होती। हमारे एमएनए आपको वोट दे रहे हैं, फी सबीलिल्लाह दे रहे हैं, और बात हो रही थी कानून की हुक्मरानी की, जमहूरियत की बालादस्ती की, अदालतों की आजादी की, क्या ड्रामा है यानी जमीर के मुताबिक है। आप किसने कहा माशाल्लाह जनाब अली पीर मियां नवाज शरीफ साहब ने मौके के हिसाब से अदलिया पे अपनी बड़ास भी निकाल दी और वो तारीख साथ शेर कह दिया कि उन्होंने जो शेर कहा जवाबी शेर तो मुझे आता है लेकिन मेरे नून के दोस्तों की हया रखने की वजह से नहीं बोलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आखिरी बात ये है, ये वक्त गुजर जाएगा, हम मंसूर अली शाह साहब को ला रहे हैं या अफरीदी साहब को ला रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह के तौर पे अमीनुद्दीन खान को ला रहे हैं। कोशिश यही है कि आइंदा के तीन चार सालों के लिए निज़ाम को इसी तरह रखा जाए ताकि ये असम्बली अपनी मियाद पूरी कर सके। ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन मुल्क को हमने एक ऐसे रास्ते पे गामजन कर दिया। हमारी मेरी दिली ख्वाहिश थी, एक दफ़ा जनाब के स्पीकर साहब को मैंने कहा भी था, मैंने कहा बेहतर होगा आप कोई काना रखें और तमाम अपोजिशन और इन सब को बुलाएं, यहाँ पे खुदा की कसम इनके साथ हाथ मिलाते हुए डरते हैं, आप सबके साथ हाथ मिलाते हुए डरते हैं, मैं नहीं सब डरते हैं, यानी जो निज़ाम चल गया है न सलाम कर सकते हैं न कलाम कर सकते हैं। वो ख्वाजा आसिफ साहब से एक दिन क्या सर राम मुलाकात हो गई, मेरा दड़न तख्ता हो गया पार्टी से। तो मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर कि ये जिस तरीके से अमेंडमेंट लाई गई शायद ही बॉर्डर लाइन पे हम रह गए, थोड़ा सा अगर एक हमें अकोमोडेट कर देते तो ये कंसेंसस से भी लाई जा सकती थी। हाँ जी सर, मुझे तवज्जो आप सारी अपनी तरफ खींच रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आखिरी बात यह है कि लकी सीमेंट एक अदारा है जो लकी मरवत में कायम है, एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है, सन 1996 से ये ऑपरेशन कर रहा है, हमारी शेख बदीन के पहाड़ जो हैं इसने निगल लिए, लेकिन मेरे इलाके मेरे हलके को न तो ये सीएसआर में कुछ दे रहा है न रॉयल्टी में दे रहा है और ना हमारे हल्के या लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया है। मेरी इस्तेदा ये है जो मिनिस्टर है इंडस्ट्रीज़ के, उनसे इस्तेदा है कि ज़रा ये मुलाहिदा कर ले, वाइड ये शेल है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, जितने एक्सकेवेशन होते हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं, तो लकी मरवत के लिए जो लकी सीमेंट जो हमारे हकूक पर बैठी है इस हवाले से अगर वो कोई आप मुलाकात का उनको कह दे, मैं अपने इलाके के डेलीगेशन ले जाके उनके सामने रख दूंगा।